बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह उनका नया बयान है। उन्होंने ईडी की कार्यवाही और इंडिया गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सैफई में रामगोपाल यादव के भाई अतर सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए शांति हवन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में अखिलेश यादव, आजम खान जैसे दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस दौरान आजम खान परिवार के लोगों से भी मिले। कार्यक्रम के बाद आजम खान ने मीडिया से सवाल किए, ईडी एक्शन और इंडिया गठबंधन के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार के पास सभी एजेंसियां हैं, वह कुछ भी करवा सकती है। पहले आप पर अब अबू आजमी के करीबियों पर किस तरह से देख रहे हैं पूरे? सरकार के पास ये सारी एजेंसी हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वही जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है और इंडिया नाम को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अपनी औलाद सबको अच्छी लगती है, अपना बाप सभी को अच्छा लगता है, किराए का बाप तो आता नहीं है। इंडिया वालों को इंडिया अच्छा लगता है और जिन्हें इंडिया अच्छा नहीं लगता उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि बहुत सी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो आजम खान ने कहा कि अभी मेरा नाम नहीं बदला गया है। इंडिया गठबंधन का क्या कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये घबराए हुए ऐसा भी लोग कह रहे हैं? अपनी औलाद सबको अच्छी लगती है, अपना बाप सबको अच्छा लगता है, किराए का बाप तो आता नहीं। वालों को इंडिया अच्छा लगेगा, जिन्हें इंडिया अच्छा नहीं लगता उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। जिस तरह से नाम बदलने की चल रही, तीन स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, अभी मेरा नाम नहीं बदला गया। बता दें कि कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव के भाई अतर सिंह यादव का सैफई में निधन हो गया था, जिसके बाद शांति हवन का कार्यक्रम उनके गांव में किया गया। इस दौरान शांति हवन के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार मौजूद था।